आपको दे दिए 14,000 रुपए। 14,000 में 57 दे दिया। वन ये से बोले 4,000 रुपए। 4,000 रुपए में दे दिए। 4,000 रुपए। नॉन पीडी अप्रूव है। अप्रूव है। अप्रूव में 9,000 रुपए में 6/64 GB। ऑल ओके। ऑल ओके में। ये कंप्लीट सामान के साथ ये सिर्फ 20,000 रुपए का ही आपको पड़ेगा। आपको पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए। 15,000 रुपए में आगे आपके भाई के पास। बिल्कुल भाई, भरपूर स्टॉक तो हमें दिख रहा है। आईफोन पड़े हुए, गूगल पिक्सल है, आईफोन 6s है, पता नहीं 6s प्लस भी है। बॉक्स वाला आईफोन है। ये कौन सा आईफोन? आईफोन X आ गया। 4GB ऑल ओके। ये आपके व्यूअर को दे दिया सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए। 50,000 रुपए का आईफोन X आ गया। ऑल ओके। डब्बे के साथ दे दिया। पीटी अप्रूव। पीटी अप्रूव है 50,000 का। ठीक है, इसके बाद आ गया आईफोन 7 ऑल ओके, 128 GB पीटी अप्रूव, सिर्फ और सिर्फ 29,000 रुपए। 7 प्लस ऑल ओके पीटी अप्रूव, सिर्फ और सिर्फ 29,000। 29,000 रुपए का दे दिया। दे दिया बस। फाज भाई थोड़ी सी आवाज निकाली, व्यूअर्स तक आवाज नहीं जा रही आपकी। ये आ गया रेडमी का A3X। रेडमी का A3 वारंटी में फुल 10 महीने वारंटी में कंप्लीट सामान के साथ सिर्फ और सिर्फ 22,000 रुपए। 22,000 रुपए का दे दिया जी। दे दिया। ठीक है, ये कौन सा? ये एयरटेल के आ गए कंप्लीट वारंटी में सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपए। 14,000 रुपए। बॉक्स वाले, एक बगैर बॉक्स वाले, 4/128। ठीक हो गया, सही। इसके बाद गूगल पिक्सल, ये कौन सा बड़ा हुआ है? ये गूगल पिक्सल का बड़ा 4XL 4/128 बॉक्स वाला है। ठीक है, इसका बॉक्स ये पड़ा हुआ है गूगल पिक्सल का। 32,000 रुपए में से दे। 32,000 रुपए में गूगल पिक्सल 4XL जी। वो कौन सा, 4XL है 5XL है? 4XL 4XL है। ठीक है, 32,000 का दे दिया ये जी। ठीक हो गया। इसके बाद सैमसंग का आ गया A12 कंप्लीट सामान के साथ 18,000 रुपए। कंप्लीट सामान के साथ 18,000 का। ठीक है, इसके बाद आ गया रेडमी का नोट 10 चिप सेट 6/128 सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए। 15,000 रुपए का रेडमी का नोट 10 6/128 सेट है 15,000। 15,000 रुपए में। ठीक है, इसके बाद आ गया आईफोन 7 नॉन बीटीए 128 GB सिर्फ और सिर्फ कितने का देना चाहिए सर? यार मार्केट तो नॉन पीडीए की 20-22,000 तक चल रही है, 22-23,000। सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपए में। 13,000 रुपए में दे दिया आईफोन का 7 प्लस नॉन पीडीए 128 GB सिर्फ और सिर्फ 13,000। 13,000 रुपए में, जबरदस्त हो गया फाद भाई। इसके बाद कौन सा मॉडल है? इसके बाद आ गया मोटरोला का, आ गया नॉन पीडीए 11,000 रुपए में। 11,000 रुपए में नॉन पीडीए में 4/64 में 11,000 रुपए का दे दिया। ठीक है फाद भाई, इसके बाद आईफोन 6s आ गया नॉन पीडीए। आईफोन का 6s 64 GB 9,000 रुपए में 6s 64 GB ऑल ओके में। ठीक है, सही। इसके बाद आ गया इन्फिनिक्स का 030 कैमरा ऐसा है, आप देखे दिखाया सर भाई, कैमरा चेक करें, एलईडी पैनल है, बॉक्स के साथ है, सिर्फ और सिर्फ दे दिया 30,000 रुपए। 30,000 रुपए का दे दिया, बॉक्स भी है साथ में। ठीक है, सही। इसके बाद फाद भाई कौन सी? इसके बाद आ गया 6 प्लस, आईफोन 6s प्लस आ गया। 6s प्लस नॉन पीटीए 128 GB कितने का देना चाहिए सर भाई? यार आप बताओ फाद भाई कितने का दे रहे हैं आप? मार्केट तो लोग बहुत चला रहे हैं, इसकी कोई पता नहीं कितने चला रहे हैं। दे देंगे सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपए। 13,000 रुपए का 6s प्लस नॉन पीटीए। ठीक है, सही। फाद भाई इसके बाद कौन सा? इसके बाद असद भाई ओप्पो का F19 सिर्फ और सिर्फ 6/128 से दे दिया 25,000 रुपए में। 25,000 रुपए में 6GB 128 GB ऑल ओके, ऑफिशियल पीस है, फिंगर इसका डिस्प्ले में होता है। ठीक है, सही है। ठीक है, इसके बाद आ गया मोटरोला का जी पावर 2022 सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए में। 15,000 रुपए में पीडीए अप्रूव है। इसके बाद Y20 आ गया, वीवो का Y20 आ गया सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपए में। 14,000 रुपए में Y20 वीवो का, कंडीशन साफ सुथरी है, साफ सुथरी ऑल ओके पीस है, ऑफिशियल अप्रूव है, किट वाले नहीं है, सही। इसके बाद आ गया हॉट 10 प्ले इन्फिनिक्स का, 6,000 एमएच बैटरी है इसकी, ये आपको पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपए। 14,000 रुपए का ऑल ओके साफ सुथरा पीस है। ठीक है, सही। इसके बाद आ गया 18T 4/18 टेक्नो कैमोन 18T है, जबरदस्त फोन है गेमिंग के लिहाज से,
ये आपको पड़ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपए। 18,000 रुपए का बॉक्स वाला, बॉक्स मिलेगा साथ में, बॉक्स भी मिलेगा चार्जर भी मिलेगा, बॉक्स चार्जर दोनों मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आ गया मोटोरोला का जीपीओ, मोटोरोला जीपीओ 3 32 वाला। असद भाई इसकी मार्केट कितने की चल रही है? यार इसकी तो मार्केट 14-15 हज़ार रुपए चल रही है। आपको दे दिया सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए। 12,000 रुपए का दे दिया, 12,000। ठीक है सही। इसके बाद आ गया इन्फिनिक्स का S5 कंप्लीट सामान के साथ है, सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपए। इन्फिनिक्स का S5 14,000 रुपए। ठीक है, रेडमी का आ गया ये A2 Plus 10 महीने वारंटी में, 464 कंप्लीट सामान का, सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपए। ठीक हो गया। इसके बाद आ गया टेक्नो का 8C स्पार्क 8C आ गया, स्पार्क 8C 4 128, ये सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए। कितने का? 15,000 रुपए। ठीक है, ये आ गया हॉट 10 कंप्लीट सामान के साथ, 6,000 mAh बैटरी है, ये दे दी आपको सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद सैमसंग का A50 आ गया, A50 4 128, सिर्फ फिंगर नहीं चल रहा, ये आपको दे देंगे सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपए। ठीक है, ये आ गया इन्फिनिक्स का हॉट 12 5 सामान के साथ, गेमिंग फोन है, 464 बैटरी टाइमिंग भी अच्छी है, ये आपको पड़ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपए। ठीक है, ये आ गया 8 Pro टेक्नो स्पार्क 8 Pro है, स्पार्क 8 Pro 464 कंप्लीट सामान के साथ, पाउच भी दे देंगे, आपको पड़ेगा 16,000 रुपए। ये आ गया स्पार्क के 6 महीने कंप्लीट वारंटी में, ये आपको पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए में, नए पीस है अभी बस डब्बे से खुले। ठीक है, इसके बाद आ गए एक बॉक्स वाले एक बगैर बॉक्स के, ये आपको एक बॉक्स वाला पड़ेगा 14,000 रुपए का, बगैर बॉक्स वाला 12,000। स्पार्क 5 प्रो है 464 है, बैटरी टाइमिंग इनकी अच्छी होती है, कैमरे के लिहाज से भी अच्छी सही है। ठीक हो गया, इसके बाद आ गया टेक्नो कैमोन 19 नियो आ गया, ये असद भाई इसकी मार्केट क्या चल रही है? यार इसकी मार्केट अब नया आया था, पता नहीं 30,000 का था मेरे ख्याल में, अब तो सिर्फ आपके कस्टमर को दे 18,000 रुपए का दे दिया कैमोन 19 नियो 18,000। इसके बाद ये आ गया हॉट 30 प्ले 6 महीने वारंटी में कंप्लीट सामान के साथ, ठीक हो गया, सिर्फ और सिर्फ 26,000 रुपए। 26,000 रुपए का 6 महीने वारंटी में, वारंटी में 8 128। ठीक हो गया, जबरदस्त सही है। इन्फिनिक्स का आ गया नोट 10। इन्फिनिक्स का नोट 10 कितने का देना चाहिए आप बताओ, कितने का? एलईडी डिस्प्ले है ना इसका, ये एलईडी डिस्प्प्ले वाला है, साइड फिंगरप्रिंट होता है, 6 128 होता है। कितने का दे दिया? एक बॉक्स वाले एक बगैर बॉक्स, सो दो पीस है इन्फिनिक्स के, ये कंप्लीट सामान के साथ, ये सिर्फ 20,000 रुपए का, ये आपको पड़ेगा 18,000 रुपए। 18,000 और 20,000 के हिसाब से, ठीक है सही हो गया। उसके बाद आ गया 6S Plus 128 GB में, 128 GB नॉन बीके, सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपए। 13,000 रुपए में दे दिया, 13,000 रुपए में दे, ठीक हो गया सही है। इसके बाद आ गया 6S Plus 16 GB अप्रूव में, 16 GB 6S Plus ऑल ओके। कितने का देना चाहिए सर भाई आप बताएं? आप बताओ यार, कितना लोग तो 16-17 मार्केट चलाते हैं इसकी, ये आपके कस्टमर को दे सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपए। 11,000 रुपए का दे दिया अप्रूव में, अप्रूव ऑल ओके, ठीक हो गया। रियलमी का आ गया C21 कंप्लीट सामान के साथ, 464 बैटरी टाइमिंग भी अच्छी है, गेमिंग फ़ोन है, ये आपको पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपये। 14,000 रुपये, ठीक हो गया। ये आ गया वीवो का Y19, वीवो Y19 ये आपको पड़ेगा 15,000 रुपये। 15,000 रुपये का, 15,000 रुपये में दे देंगे आपको, ठीक हो गया। ये आ गया वीवो का S1, वीवो का S1 किट वाले नहीं ऑफिशियल वाले सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपए। ये आ गया रियलमी का C3, ठीक है कंप्लीट सामान के साथ है ऑल ओके, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपए में देंगे, ठीक हो गया। ये आ गया C25S गेमिंग फोन है कंप्लीट सामान के साथ है, ये आपको देने के लिए 16,000 रुपए में C25S, ठीक हो गया। रियलमी का 5i आ गया स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाले बॉक्स के साथ है, ये आपको पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपए में बॉक्स के साथ। रेडमी का A1 Plus आ गया 3 32 कंप्लीट सामान के साथ, सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए का, 12,000। ठीक है,
ये इसके बाद आ गया ओप्पो का A57 ठीक है। कितने का दे दिया ये मार्केट आप बताएं कितने की चल रही है? मार्केट तो इसकी 17,000 रुपए चल रही है, 16-17 मार्केट है इसकी। बस आपको दे दिया 14,000 रुपए, 14,000 में 57 दे दिया, वन डे ऑफर है जबरदस्त। S1 की मार्केट चल रही है 20-22,000 बिल्कुल, आपको ये दे दिया 18,000 रुपए, 18,000 में विवो का S1 दे दिया 18,000 रुपए में, ठीक हो गया। इसके बाद विवो का Y16 आ गया, ये मार्केट कितने की चल रही है यार? विवो का Y16 तो भाई 22-22, 20-20,000 रुपए चला रहे, 25,000 रुपए चला रहे, सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपए, 14,000 में Y16 दे दिए विवो का, वो भी 8256 वाला, सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपए, क्या बात है यार। इसके बाद कौन सा? ये आ गया विवो का, ये विवो का Y19 है, विवो का Y19 है। कितने का देना चाहिए सर भाई? यार आप बता दो कितने का, या तो फ्रेश किट 20,000 तक की है कम से कम भी, 16,000 रुपए, 16,000 रुपए, 16,000 रुपए, ठीक है। ये पड़े में कलर में जो भी चाहिए, दो कलर किस वाई है, 4/64 है कंप्लीट सामान के साथ, सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए, 15,000 रुपए का, सिर्फ 15,000। वो आ गया Y9 Prime 4/128 14,000 रुपए, 14,000 रुपए Y9 Prime। और ये आ गया रेडमी का 9A 232 है, बॉक्स वाला है कंप्लीट सामान के साथ, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए, 10,000 रुपए का दे दिया, 5,000 mAh बैटरी है ये, 6/128 है इन्फिनिक्स का और 10S 6/128, सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपए, 13,000 रुपए का 6/128। इसके बाद ये विवो का Y21 है, Y21 आ गया, ये लोग दे रहे हैं 18, 19, 19,000। अच्छा ये दोनों Y21 पड़े हैं, दोनों Y21 पड़े हैं, ये कितने का दे दिए ये Y21? 16,000 के हिसाब से। ओप्पो का आगे A15, ओप्पो का A15 ओरिजिनल चार्जर के साथ ऑफिशियल चीज है, ठीक हो गया। ये आपको दे दिया सिर्फ और सिर्फ 15,000, 15,000 के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद और ये आ गया विवो की किट, ये सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए, 4,000 रुपए में दे दिए, नॉन पीडीए अप्रूव है, अप्रूव है, अप्रूव में जबरदस्त। इसके बाद ये विवो का Y19 और ये रियलमी का आ गया, ये दिखा दिया मेरे ख्याल में, सही दिखा दिया, और ये विवो का दोबारा Y19 हो गया बस, ठीक है। मतलब यही था आज का भरपूर स्टॉक था, तो जिसको भी आईफोन चाहिए हो हमसे कांटेक्ट करें, आपको हर किस्म के जो भी आईफोन चाहिए होंगे मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा फाइव कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए अपना, 0315207-3503।